आपको दिखा रहा होगा, और ये मेरे हस्बैंड का पसंद का है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं कि बीवी जो है ना लाल लाल गोला गंडा बन के घूमती रहे। मुझे पर्सनली जो है ना इस तरह के कलर पसंद आते हैं, सोबर से लाइट से। छक्का दे रहा तो देने दो ना, मेरा तो प्यारा बेटा मुझे छक्का दे रहा होगा। मेरे बेटे ने मुझे छक्का दे दिया अपना छक्का। ये भाई ये देखे नया गेम चल रहा है यहाँ पर, कोई माँ बेटे वाला गेम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुहाडा जी? तुहां सबनों जी वड़ा वड़ा वेलकम है। और आज सुबह सुबह का आगाज़ नहीं है, आज इस वक्त जो है ना वो दोपहर के 12 बज रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, घर पर हैं, और नाश्ते से फारिग हो गई थी और व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो भाई व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ने काफ़ी ज़िद की कि उन्हें अपने फ्रेंड के घर जाना है और उनकी अम्मा मेरी फ्रेंड है, तो मैंने कहा चलो भाई। और आज सुबह से ही हमें जो है वो केसी की तरफ से जो एक मैसेज रिसीव हुआ कि आज हमारी लाइट जो है वो सुबह 8:30 बजे से बंद रहेगी, रात 6:30 बजे तक। तो मैंने कहा घर में बोर होने से अच्छा है कि चलो बच्चों को ले जाती हूँ उनकी फ्रेंड के घर, और फिर बच्चों को चाहिए कुछ चीज़ें तो मार्केट भी जाना है तो साथ चलें, और मैं आपको अपनी फ्रेंड के बच्चों से भी मिलवाती हूँ और मार्केट का भी टूर कराती हूँ। और हमज़ा और अली से मेरे साथ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा और हमज़ा जो हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब हम तीनों जो हैं वो जा रहे हैं, जाएगा अली भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, और घर पे कोई भी नहीं बैठेगा। तायरा बाजी आएंगी तो घर का दरवाज़ा खटखटाती रहेंगी, और फिर क्या होगा, फिर हम लोग सफाई करेंगे जी। इस वक्त हम लोग सब निकल रहे हैं अपने दोस्त के घर, और फिर जाएंगे हम मार्केट, तो साथ चलें। चलो भाई गो, लेट्स गो। सब्सक्राइब करें, बोलो जो न्यू आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें। अंगूठा दिखाया करो, लाइक करते हैं, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड, चलो। अच्छा तो जी, अब मार्केट जाते जाते कुछ बातें आपके साथ करनी है। काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि दोबारा से जो है वो कुछ हेटर्स ने दोबारा से जो है वो सितारा के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी हैं, और अब के जो टॉपिक छेड़ा है वो उन्होंने छेड़ा है कि भाई कौसर के साथ सितारा की ज़्यादतियाँ या कौसर करूँ ये वो, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो देखिए, जिनको पहले ही सितारा जो पहले सितारा को ये कहते थे कि उन्होंने फेक शादी कराई है या कौसर ही फेक है, कौसर है ही नहीं, नैना है, नैना का शरारा, जब उनकी सारी बातें ही आपको पता है कि झूठ निकली, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ वो व्यूज़ गेन करने के लिए, आपको अपने साथ इंगेज करने के लिए सब कुछ कह रहे हैं, जब ये सब कुछ मालूम है तो उसके बाद अब इनकी बातों पर कौन यकीन करेगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमें कोई पसंद नहीं आता ना तो हम उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं और देखते नहीं हैं, मगर यहाँ कमाल बात यह है कि आपको एक बंदा फेक भी लग रहा है और आपको पता है कि वो बंदा झूठा लग रहा है आपको, सितारा को ये लोग कह रहे थे ना कि फेक है, झूठी है, तो आप उसके वीडियोस देखते क्यों हो? फिर आपको किसने कहा है कि उसके ऊपर रिएक्शन दें बैठ के, ठीक है? ये रिएक्शन चैनल वालों की तो मुझे समझ ही कोई नहीं आ रही कि आपको किसने कहा है कि उनका रिएक्शन दें। और बाकी जो चला रहे हैं वो मेरे ख्याल में उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो इसलिए यही इसी टॉपिक पर बात करते रहते हैं और नई नई कहानियाँ लाते जो कि बिल्कुल फेक होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए या मुझे कुछ कहना चाहिए, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ मुनाफिक हैं यहाँ पर जो अपने मतलब के लिए बात करते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, और अल्लाह पाक हमेशा हम सबको मुनाफिक बनने से जो है ना वो बचाए, क्योंकि मुनाफिक के जो है ना वो परवरदिगार ने बहुत सज़ा रखी है। तो बस अच्छा अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा करें। इंसान जब भी किसी के लिए अच्छाई करता है ना तो सिले में उसको अच्छाई ही मिलती है, ये उसका कानून है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि भाई आप इग्नोर किया करें इस तरह के लोगों को, इनका काम है हेट करना या गलत बातें करना, बस इसको छोड़ दीजिए। प्यारी से दोस्त मेरे लिए बना के लाई हैं चाय, और इतने मज़े के क्या बनाया हमजा, क्या है पापड़, पापड़ मज़े के लग रहे हैं, बोलो ट्रायंगल पापड़, ट्रायंगल पापड़ हैं, बहुत मज़े के हैं ना, खाओ। ये हमजा के फ्रेंड है, हमजा को हेलो कर दो ना आप लोग, अजगर रहिए, अजगर हेलो कर दो, क्या नाम है आपका, मैंने तो बता दिया आपका नाम, मैं तो बता दिया, असगर आपका नाम क्या है, असगर का नाम तो मैंने पूछ लिया, असगर आपका नाम क्या है, नहीं नहीं इसका नाम कुछ और है, अंकल टॉम नाम है उसका, अंकल टॉम कैसे हैं आप, अंकल टॉम, अंकल टॉम हाउ आर यू, अंकल टॉम सर्दी में नहा के आए हैं अंकल टॉम, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, गंदा गलीज नहीं रहना। अच्छा भाई, आपके आपके कौन आ रहे हैं आपके घर भी बताइए, आज मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ अंकल टॉम, बताओ आपको, पता ही नहीं है इनको, पता ही नहीं हमजा, ये कैसा दोस्त है आपका, ये किस किस्म का, चलो भाई अच्छा अल्लाह हाफिज़।
सफर करो। अच्छा भाई अब हम जा रहे हैं मार्केट। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छे अच्छे खिलौने लेने, टॉय लेने। मम्मी ने बड़ी वाली गाड़ी लूंगा बैठने वाली गाड़ी। इनको पप्पो ने जो पैसे दिए उन्होंने वो उड़ाने और इन्होंने चीजें लेनी है। बैठने वाली गाड़ी से लूंगा। दोस्त के यहाँ से मैं फारिग हो गई क्योंकि मार्केट खुलने में टाइम है, तो इन्होंने थोड़ी देर खेल लिया। अब हम जा रहे हैं यहाँ। चलो अस्सलाम वालेकुम। क्या लेना है? हमने बहुत सारी चीजें ले ली हैं, लिट्टो भी ले लिया है। और क्या क्या लिया हमसे बताओ? हमने क्या क्या लिया? किचन सेट, लिट्टो, बेड और ब्लॉक्स। हमजा ने बहुत खर्चा करा दिया मेरा। हमजा ने चीजें ले ली आपने? अभी बोल रहे ये भी चाहिए ना, तो इसको तो फ्री में मिल रही है। नहीं नहीं। अच्छा जी, फाइनली हमने बच्चों की विंटर जो वेकेशन है उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले ली, ताकि बच्चे जो है ना वो मोबाइल और लैपटॉप पे ना लगे रहें, बल्कि कोई हेल्दी एक्टिविटी करें, कुछ खेल कूद कर लें। अच्छा रैकेट रह गया है अभी, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें ले ली मैंने। मैंने कहा चलो रैकेट जो बाद में दूँगी, अभी उसका वैसे भी ऊपर इंतज़ाम भी कुछ नहीं है, छत पर पूरा सेटअप करूँगी फिर रैकेट वगैरह ले लूँगी। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। फूफो के पैसों से जो है वो बच्चे अपने लिए चीज़ें ले आए। हमजा क्या लाए हो? अलीजे ने जो है वो ये लिया है और ये हमजा ने लिए हैं अपने पैसों से। थैंक यू बोलो पप्पो को। अच्छा जी, इन्होंने पप्पो के पैसों से जो है वो शॉपिंग कर ली है, चीज़ें ले आए हैं और जिनको जो अच्छी लगी मैंने दिला दिया भाई। ठीक है भाई पप्पो, जो बच्चों ने फरमाइश की मैंने वो उनको दिला दी है और बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो है ना हेल्दी एक्टिविटी में लगे रहेंगे। तो भाई हम लोग मार्केट से वापस आ गए। मार्केट से आने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो बच्चों को खाना वगैरह दे दिया और बच्चे जो हैं वो अब ट्यूशन चले गए हैं। फुप्पो इनकी जो है वो दूसरे फुप्पो के घर रुक गई है, वहीं पर उनके असल वाले, वहाँ पर जो है ना ऑल फैमिली मेम्बर्स सब वहीं पर रहते, जितने भी मेरे ख़ानदान वाले ना हस्बैंड के वो सब वहीं रहते एक ही जगह पर। दो मामू हैं, दो खालाएँ हैं, दो बहनें और एक कज़न, तो ये सब जो है ना वो वहीं एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो वहीं रुक गई। उसने कहा कि रोज़ रोज़ आने जाने से अच्छा मैं कुछ दिन वहीं पर ठहर के आऊँगी। तो नंद वहाँ रह गई, आज बहुत बच्चे मिस कर रहे थे, बच्चों को बड़ी बोरियत हो रही थी। तो मैंने कहा चलो फिर तुम लोगों को जो पप्पो ने पैसे दिए उनके मैं तुम लोगों को थोड़ी सी टॉयज़ दिला के ले आती हूँ। तो बच्चों को टॉयज़ वगैरह दिला दी और उसके बाद बच्चे जो है वो ट्यूशन चले गए। फिर मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ उस दिन अपनी शॉपिंग तो शेयर, जे डॉट से जो कपड़े लाई थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किए, तो जे डॉट से कुछ शॉपिंग की थी तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है वो स्टिच करने के लिए देना है, टेलर के पास भी जाना है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी और आज टेलर के पास भी जाऊँगी, उससे पहले बेल लेने जाऊँगी। तो आपको आज दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊँगी कि मैंने एक परफ्यूम बाय किया था। अच्छा परफ्यूम मैंने यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा मैंने यूज़ किया था देखने के लिए कि क्या इसकी खुशबू कैसी है, चेक तो करके लाई थी, मगर मैंने कहा चलो भाई सबर नहीं होता ना भाई हमसे। तो ये है वो परफ्यूम जो कि मैं लेकर आई जे डॉट से, ये भी सेल में है और इस पर भी सेल लगी हुई थी और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की और ख़ूबसूरत है। ये तकरीबन ये मुझे पता नहीं कितने का पड़ा है, सामने मैं देखती नहीं हूँ, बस उठा लेती हूँ कि भाई दे दो। तो ये मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये एक ले लिया। अच्छा कपड़ों में मैंने जो है वो हस्बैंड ने मुझे तीन जोड़े दिलाए हैं, तीन कपड़े दिलाए। एक ये है, इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है ना वाइट शलवारें या ऑफ वाइट शलवार जिनकी होती है ना वो सूट वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। तो मैं आपको पूरा सही से दिखाती हूँ कि ये सूट कितना प्यारा लग रहा है और आप भी ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये मिक्स एंड मैच में से मैंने लिए हैं। मैं हमेशा मिक्स एंड मैच में से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ले लूँ, क्योंकि तो उसमें 1850 के मिल जाते तो कपड़ों की जो है ना बचत बड़ी हो जाती है पैसों की। ये इसका फ्रंट है, ठीक है, यहाँ ऊपर नेक बनेगा और इसका जो बैक है ना वो कुछ नहीं, ये स्लीव्स हैं, इसके स्लीव्स पर इस तरह से बॉर्डर बनी हुई है, कुर्ती स्टाइल में ये सिलेगा। और ये इसका फ्रंट और ये इसका बैक है, ठीक है, ये इसका बैक हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया और ये इसकी स्लीव्स हो गई। और दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है इसका, प्यारा सा है, मल्टी शेडेड कलर में है, इस तरह से इसका दुपट्टा है और ये इसकी बिल्कुल ऑफ वाइट शलवार है, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। अच्छा जी ये एक सूट है। अच्छा दूसरा सूट जो है ना ये मैंने इस कलर में लिया, मुझे इसका कलर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो भाई कभी आगे पीछे इंसान को जाना होता ना, तो ये जो है ना स्टिच में भी मौजूद था, स्टिच में 4 से 5 हज़ार के मिल रहे थे और मिक्स एंड मैच में मुझे ये
1800 रुपये के पड़े, तो देखे ना कितनी बचत हो गई। अब मैं इसकी 500 रुपये सिलाई दूंगी, स्टिचिंग के 500 रुपये दूंगी, तो मेरे आराम से सूट पड़ जाएगा मुझे भाई, ठीक है। 3000 के, 2500 के पेले वेले लगा के 2500 के पड़ जाएगा, ठीक है। ये इसका मेरे ख्याल में फ्रंट है बैक है कुछ समझ नहीं आ रहा इसका, तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही है क्या। अगर ये हमें पाइपिंग वगैरह लगानी है या कुछ भी करना है, इसका देखना पड़ेगा क्या है क्या सीन है। इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, दुपट्टा बड़ा प्यारा है, देखो ये मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है, ये भी मुझे 1850 का मिला है, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है इस तरह से, ठीक है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसके साथ दिया है इन्होंने मुझे बंच, जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। ये इसके साथ मुझे इन्होंने बंच दिया है, ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है, ग्रीन के साथ है ये। और ये इसका ऑफ वाइट तो शलवार है, सही है। बड़ी मेहनत लगी भाई इसको समझने में, टाइम लग गया भाई हमें, बहुत टाइम। अच्छा एक ये सूट है, ये भी स्टिच में लटका हुआ था, ये 5500 में स्टिच में था, मगर कोई ख़ास स्टिचिंग नहीं हुई हुई थी। और ये मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे लिया, इतने भड़कीला कलर मैं तो भड़कीले कलर पहनती नहीं हूँ, मगर मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों इतने अच्छे लगते हैं भड़कीले भड़कीले कलर। और उन्होंने कहा कि यही ले लो, यही ले लो। मैंने कहा अच्छा भाई, मियाँ ने कह दिया। ये देखिए ज़रा, इसकी शलवार भी मोटी है, इसकी शलवार थोड़ी सी खद्दर टाइप की है, ठीक है। खद्दर थोड़ी सी मोटी फैब्रिक है, खद्दर फैब्रिक है, ठीक है। और मोटा कपड़ा है इसका शलवार का। और शर्ट भी जो है वो कैंब्रिक मोटी है, कॉटन है, लॉन नहीं है, कॉटन है, इसलिए इसकी शलवार भी मोटी है। और इसकी जो शर्ट है ना, ये भी जो है अच्छी खासी मोटी है। और दुपट्टे का कलर कपड़ा जो है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट सा है, हल्का सा है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये अनरखा स्टाइल में सिला हुआ था, मैं इसकी पिक्चर वगैरह सब देख आई हूँ कि किस तरह से स्टिच होगा। वैसे भी जे डॉट के उसमें आप चले जाए ना, वहाँ पर आपको आराम से नज़र आ जाता है। बहुत भड़कीला कलर है, कैमरे में और भड़कीला लग रहा है, इतना वैसे देखने में है नहीं जितने कैमरे में भड़कीला भड़कीला लग रहा है। अदरवाइज़ जो है ना, सामने से देखने में नॉर्मल सा है, प्यारा सा है। ये अंगरखा स्टाइल का कपड़ा है और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। इसके साथ इन्होंने मुझे ये दे दिया, इतना लंबा चौड़ा सा, और ये कहीं पे भी उस सूट में नहीं लगा होता, इन्होंने बस ऐसे ही पकड़ा दिया कि बंदा खुश हो जाए। और घर में जाके ये है, किसी भी चीज़ के साथ आप लगा सकते हो, ठीक है। ये इसके साथ नहीं लगेगा, ये जो है वो किसी भी और कपड़े के साथ मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा खासा इन्होंने दिया है ये मुझे और अच्छा लगता है मिक्स एंड मैच में। आपको बेले वगैरह भी मिल जाती हैं, इस पे ना लगाए तो किसी और सूट पे लगा लें, चाहे तो इस पे भी लगा लें, मगर इसके तो कहीं से भी नहीं लग रहा इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसका दुपट्टा, मैं थक गई दिखाते दिखाते, मैं खुद ही थक गई सांस फूल गई मेरी। अच्छा ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। ये सब इस वक्त आपको जो है ना, इतना कोई रंगोली कलर का लग रहा है ये, मगर इतना फास्ट कलर नहीं है जितना मेरा के मेरा ये है। ये दुपट्टा अभी भी इसका कलर बहुत डार्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, जबकि इतना डार्क नहीं है। और कैमरा जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर आपको दिखा रहा होगा। और ये मेरे हस्बैंड का पसंद का है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं कि बीवी जो है ना लाल लाल गोला गंडा बन के घूमती रहे। मुझे पर्सनली जो है ना, उस तरह के कलर पसंद आते हैं, सोबर से, लाइट से, इस टाइप के कलर। मैं ज़्यादातर इस तरह के कलर पहनती हूँ, पिंक कलर के और इस टाइप के, बिल्कुल हल्के से, जिसमें बंदा ना सुकून लगे। और इसको देखें और इसको देखें, इसको देखें ऐसा लग रहा है कि ना ये पहनने के बाद कोई भैंसे के आगे खड़ा कर दिया जाएगा और कहेगा कि इसको मारो। ये वाला तोहफा हस्बैंड भी देखते हैं वीडियो, बोले कि कितना मजाक उड़ा रही है यार, मैं इतना शोक कलर नहीं पहनती, मगर ये बहुत प्यारा लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कलर बहुत प्यारा लग रहा है। मगर पता है कि आप आदत नहीं है इतने शोक कलर पहनने की, मगर बहुत प्यारा लग रहा है सूट, ठीक है जी। तो अब ये फाइनली मैं अब जाऊँगी मार्केट, कुछ बेले इन्होंने दे दिए, मगर वही बात है कि मिक्स एंड मैच है, मार्केट जाऊँगी तभी से। अच्छा भाई इस वक्त हम खेल रहे हैं, ये क्या लाओ, मेरा तो आएगा पक्का छक्का। अच्छा जी यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं गोटियाँ गोटियाँ, इसका क्या कहते हैं इसको, लड्डो, जिसमें हमजा मेरे आड़ी हैं, ठीक है, और अलीजा और अली आड़ी हैं, और मेरी सिर्फ शिक्रे दी जी है ना, मेरे को चुका गया और सब हमजा जो है वो जीत रहे हैं, फुल जोबन निकला, हमजा का निकला है। मामा, हमजा मुझे देना चाह रहे अब तक छक्का, हम ना आप मुझे दे रहे हो ना अब तक छक्का, छक्का दिया हुआ था कितनी मेहनत से, नहीं दे सकते आप। मामा और हमजा आ रही है, तो आ रही है तो क्या मतलब हुआ, दे छोड़ हमें खेलो, छक्का दे रहा तो देने दो ना, मेरा तो प्यारा बेटा मुझे छक्का दे रहा है हमजा, छक्का देने करना
निकल गए छह कोई। मेरे बेटे ने मुझे छक्का दे दिया अपना छक्का। गेम है भाई ये, देखे नया गेम चल रहा है यहाँ पर, कोई माँ बेटे वाला गेम या छक्का यहाँ माँ बेटे का गेम चल रहा है। हमजा ने अपना छक्का मुझे दे दिया और फट गया। यहाँ पे ये जो छक्का लाया ना हम, इसमें छक्का ही नहीं आ रहा है, सिर्फ अलहमजा के आए हुए हैं और हमजा ने अपना एक छक्का मुझे दे दिया है। ये पहली बार देखा है हमजा तारीख में कि छक्का भी दिया जाता है। भाई दो तीन छक्के लाने चाहिए थे, बड़े कोई मुश्किल छक्का था, ये निकल ही नहीं रहा है ना हमजा। हमजा मेरे बहुत अच्छे बेटे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यार क्या यार छक्का नहीं आ रहा। हाँ निकालो मेरा बेटा, ये वो कीमती छक्का जो कितने घंटे के बाद आया, ये कितने घंटे के बाद आया ये वाला छक्का, आधे घंटे। इसकी तस्वीर खींच के रख लो, बस जब जब आएगा यही दिखाती रहूँगी मैं छक्का। बिस्मिल्लाह दूसरा छः चार चार आ गया, मगर मैं अपने बेटे को कैसे पीट सकती हूँ, मेरे बेटे को नहीं पीटूंगी ठीक है। हम जगह मुँह देखने वाला था वैसे। नहीं नहीं मैं अपने बेटे को नहीं पीट सकती, मेरे बेटे ने मुझे छक्का उधार दिया था ना हमजा, आप तो मुझे छक्का उधार दिया था। मार सकते नहीं, यहाँ माँ बेटे का गेम चल रहा। गुड खरारी मैं हूँ खरारी। अली के कितने निकले, मामा की बारी आती है, मामा की बारी आती है ना। अरे आपकी बारी, अरे हाँ इसका आ गया था बेचारी, यार मेरा सारा बारी खराब कर दिया। चलो यहाँ पर आए हुए हैं समोसे, कीमे के, आलू के, चटनी और चाय, शाम की चाय एंजॉय करें। इसके बाद नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद जाऊंगी भाई मार्केट, क्योंकि मुझे लेनी है कपड़ों के लिए बेले। हमजा बस आ जाओ, अली आ जाओ, भाई नमाज़ का भी टाइम होने वाला है। आपकी एक गुटी अंदर चले गई, कोई बात नहीं बस आ जाओ और ये खा के चाय पी के भाई नमाज़ के लिए जो अजान होने वाली है। आ जाओ बेटा आ जाओ, अजान हो जाएगी फिर। हमजा और मैं जो है वो कीमे वाले समोसे इंजॉय करते हैं, इसके साथ चटनी, मैंने दो चटनियाँ मिक्स की हैं इसमें। आप कितने छः आए जब आप चले गई हैं ना, मेरे यहाँ जब भी घुमाते छः आ रहे थे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वहाँ से ट्रायंगल वाला है ना, कीमे वाला जो कल तो खा रहे थे हमजा आप इतने शौक से, वही तो है ये, कल तो आपको अच्छा लग रहा था। बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले, वो खा दो फिर ले लो। हाँ जी कहाँ जाना है, क्या हुआ था, सैड क्यों हो? मैं जा रही हूँ बेल लेने और कपड़ों के लिए बेल लूँगी और उसके बाद वो टेलर को देने जाऊँगी और टेलर के पास मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं वो उठाने हैं। जाओ आ जाओ, अच्छा जी यहाँ पे आए हैं बेले लेने और देखिए हम जी ऑफ वाइट में नहीं तो वाइट दे रहो। बेल ले ली मैंने और उसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ मंगवाई है बेटे ने वो ले लूँगी, उसके बाद फिर घर जाऊँगी, नहीं दर्जन आ जाऊँ। हाँ यहाँ आगे, हाँ आगे 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 400 हाँ ये इसके अंदर शॉपर। अच्छा भाई हमजा ने ले लिया है रैकेट और हमजा मुझे भी खिलाओगे हैं, बेबी शार्क टू 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 बने हुए आप। मैंने बनाई थी भाई मसूर की दाल और रात के खाने के लिए बनाया था अचार, तो इस वक्त हम लोग खा रहे हैं रात का खाना और दाल के साथ अगर हम ये अंदर अगर हम ये नमकीन कुलचा तोड़ के डाल के खाएंगे ना तो और मज़ा आएगा। और फिलहाल मैं कुलचे के साथ खा के बताऊंगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल के व्लॉग में मिलते हैं, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।